और आइए बढ़ रहे हैं आगे। अब बात करने वाले हैं हम नीट पेपर लीक मामले की। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है एक बार फिर से नीट पेपर लीक केस के ऊपर। सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि नीट परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है, परीक्षा को लेकर सिस्टम फेल नहीं हुआ है। अब आप देखना यह हो जाता है जरूरी कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया था पिछली सुनवाई में कि वो नहीं चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स ने, लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है, परीक्षा दी है। जहां एक तरफ परीक्षा को रद्द करने की याचिकाएं दाखिल की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को रद्द ना करने की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि यहां बहुत बड़ी धांधली हुई है परीक्षा में। अब आज की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे, जिसके बाद एनटीए की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। नीट परीक्षा मामले में परीक्षा एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा हुआ ब्यौरा है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इसमें नीट पेपर लीक मामला भी था शामिल। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दाखिल किया गया है उस पर आज सुनवाई होगी और आज फैसला भी देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या लेता है। और आइए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाइन सिटी घोटाले से जुड़ा हुआ बड़ा एक्शन ले लिया गया है। शाइन सिटी घोटाले में मास्टरमाइंड की विदेश में प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। राशिद नसीम जिसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, जो विदेशों में भी इसकी प्रॉपर्टी है, उस पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। ईडी जल्द ही राशिद के खिलाफ दर्ज करेगा केस। भगोड़े अपराधी के तौर पर होगी इस पर कार्रवाई। शाइन सिटी पर 60,000 करोड़ हड़पने का आरोप है। राशिद नसीम दुबई में हीरे का कारोबार कर रहा है। उधर लखनऊ में पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का साइबर फ्रॉड का शिकार होने की जानकारी मिली है। आलोक रंजन के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी हुई है। करीब 32,000 रुपए की खरीदारी की गई है आलोक रंजन के क्रेडिट कार्ड से। आलोक रंजन ने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके क्रेडिट कार्ड को पहले तो ब्लॉक करवाया, फिर साइबर ठग ने जो कॉल करके उनको अपना शिकार बनाया है, इसको आलोक रंजन ने गोमती नगर थाने में बतौर शिकायत के तौर पर मुकदमा दर्ज कराया है।